students welcome to political science and we are on to a chapter called gender religion and caste oh there is a question we are going to discuss about gender and religion in political science you know why because there is something wherein we discuss about our family and then we discuss about the work done and if we consider especially indian family the head of the family is always male तो ऐसा लगता है ना कहीं ना कहीं इक्वालिटी नहीं है और जहां इक्वालिटी नहीं है वी एक्चुअली गो एंड बिकम रेबेलस और सम ऑफ अदर वे वे डेमोक्रेटिक वी वांट इक्वालिटी और हम बहुत पहले की भी बात करें तो सोसाइटी में हमेशा से डिफरेंसेस रहे हैं सो लेट सी कि हम टेक्स्ट बुक में पोलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में वाई आर वी डिस्कसिंग द हाउस होल्ड वर्क वाई आर वी डिस्कसिंग

यू हैव क्षत्रियस ब्राह्मण शुद्रास देन बाकी अब जो भी इंडिया में जोड़ लो ऑक्यूपेशन के हिसाब से वो कास्ट है तो ये हमारा चैप्टर है काफी लेंदी है पर इंटरेस्टिंग है वन एट अ टाइम आप पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा इजी रहेगा वरना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है व्हेन वी गो टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर सो स्टिक टू द ईजी पार्ट एंड वी आर गोइंट टू टॉक अबाउट जेंडर एंड पोलिटिक्स फर्स्ट सो वी आर गोइंट टू टॉक अबाउट मेल एंड फीमेल मैन एंड वीमेन अब देखते हैं कैसे ड सेक्सुअुअल डिविजन ऑफ लेबर एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन बट बिफोर दैट लेटमी टेल यू सम विच इज नैचुरल एंड अनचेंजेबल इज जेंडर और शायद सबसे कम पोलिटिस चीज जो है वो भी जेंडर ही है सी डोंट गेट इन टू द बायोलॉजिकल टर्म एंड वी आर सी जेंडर इज समथिंग विच इज अनचेंजेबल एंड नैचुरल अब बात करते हैं एक मां के क्वेश्चन की वो ये सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर क्या होता है सो इट्स अ वेरी सिंपल सिस्टम टू से बट अ वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड इन रियालिटी तो फिलोसफी में नहीं जाएंगे ऑल वर्क इट्स इन ऑल वर्क इन साइड द होम इज ईदर डन बायमेन ऑफ द फैमिली और शी मेक श्योर दैट द वर्क इज डन बासन बट घर का सब कुछ विल बी टेकन केयर बायेन एंड ऑल द वर्क आउटसाइड द होम इज डन बाय मेल ये जो है आपका सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर है ये सिस्टम जो है और इस सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं और बहुत क्वेस् हैं तो लेट्स टॉक अबाउट दिस सिस्टम इन ब्रीफ इन इंडिया और इन दिस सोसाइटी बॉयज एंड गर्ल्स आर बॉटअप विद दिस थिंकिंग एंड आइडियोलॉजी दैट एवरीथिंग इन दाउस विल बी डन बाय द गर्ल एंड बॉय नीड टू गो आउट एंड अर्न मनी ये हमारी सोच है ये अपब्रिंगिंग है हाउस होल्ड वर्क पूरा लड़कियां करेंगे और बाहर जाके काम लड़के करेंगे ये हमारे सेक्शुअल डिविजन में रिफ्लेक्ट करता है अर्बन एरियाज में इफ यू फाइंड पुअर वुमेन डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिलीज एंड देन विमेन इन मिडिल क्लास दे वर्क इन टू ऑफिस हमारे अगर हम देखें अपने आप को या घर परिवार में या फ्रेंड्स को भी यू विल फाइंड आउट दैट देर आर वर्किंग इन योर हाउस आपके पास मेड आती हैं एंड पॉसिबली योर मदर इज ऑल्सो गोइंग एंड वर्किंग आउटसाइड इन सम बी टीचर्स डॉक्टर्स लॉयर वॉट एवर दे आर तो इस तरीके से ये फीमेल का वर्क डिजाइंड है मेजोरिटी ऑफ विमेन आर पेड लेस और कंपेयर टू मेन इनका जो वेजेस है आप किसी भी सेक्टर्स uh, में ले लीजिए आर पेड लेस अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी वर्किंग वुमेन जो है घर आती हैं और अपने घर का भी सारा काम करती हैं एक एग्जांपल से आप अपने घर को लीजिए इफ यू हैव योर वर्किंग मदर शी मेक्स शी प्रिपेयर्स योर ब्रेकफास्ट

विमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी द रोल इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड इन पब्लिक स्पीय हमेशा से ही आप देखोगे जंग पे आदमी गए हैं राजा महाराजा ऐसा कभी नहीं था रानी महारानी वो आई है उनके ऊपर वो लड़ाइयाँ हुई हैं जैसे हमारी हिस्ट्री ट्विस्ट होती है वैसे ही पोलिटिकल साइंस भी है लीडर्स हमने हमेशा गांधी जी जवाहरलाल नेहरू यही पढ़ा हमने सरोजनी नायडू जो है वो बैकड्रॉप में है तो आप सकते हैं कि जो विमेन लीडर्स होते हैं वो भी उतने ज्यादा लाइमलाइट में नहीं और नंबर भी नहीं है उतना ज्यादा उनका और आप एक चीज याद रखिए वैसे सिस्टम ही ऐसा था कि पहले ऑल द मेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स वोट कॉन्टेस्ट एंड पब्लिक ऑफिस एवरीथिंग थिंग विमेन आर नॉट अलाउड ओनली ग्रेजुअली नाउ वॉट हैपन वॉज स्लोली स्टडीली जेंडर इश्यू वॉज रेज इन पोलिटिक्स आई टेक बैक च रेवल्यूशन नाइन्थ में अगर बहुत अच्छे से याद होगा तो देर वॉज अ बॉक्स वेर इन यू नो दे रोट डिक्लेरेशन ऑफ चार्टर ऑफ मेन्स राइट इन द सेम वे यू गॉट डिक्लेरेशन ऑफ चार्टर ऑफ विमेन राइट तो वहां से चले आ जा रहा है और फ्रेंच में आप जानते हो कि राइट टू वोट उनको कितना लेट मिला है नाइनटीन फोर्टी सिक्स में बट पोलिटीसाइज तो होने चालू हुआ ना द डे टाइम द एरा यू स्टार्ट ब्रिंगिंग थिंग्स इन टू पोलिटिक्स यू विल स्टार्ट चेंजेस तो जब जेंडर इशू को पोलिटिस the, uh, और इक्वालिटी की मांग की गई राइट टू वोट की मांग की गई और वर्क स्पेस की भी मांग की गई ये जो भी मूवमेंट थे ये जो भी uh, आप कह सकते हैं कि रिवोल्ट रहे हैं थोड़े से सिस्टम से रेबिलियस बिहेवियर रहा है वापस इन सब से एक फायदा हुआ है कि उन्हें बहुत कुछ स्पेस मिला है तो ये जो स्पेस मिला है ये जो पॉलिटिकल रिकग्नेशन मिला है ये जो सोशल रिकगनेशन मिला है ये इस वजह से मिला है क्योंकि कुछ लोगों ने मूवमेंट शुरू की और उन लोगों को हम फेमिनिस्ट कहते हैं और द मूवमेंट विच आर स्टार्टेड फॉर द अपलिफमेंट ऑफ दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड फॉर द वेलफेयरमेंट ऑफ वूमेन दे ऑल मूवमेंट आर नोन एज फेमिनिस्ट मूवमेंट अब इन मूवमेंट्स के वजह से बहुत ज्यादा फायदे हुए हैं और सबसे सब ज्यादा फायदा यह है कि आज आप सोच सकते हैं कि कुछ I mean, आई मीन आज आप ये कह सकते हैं यू गो आउट एंड यू सी विमेन आर इवन इन टू एयरफोर्स दे आर प्रोटेक्टिंग आर बॉर्डर बी एस एफ में भी है जो काम सबसे कम माना जाता था कि वुमेन के लिए हो सकता है आज वहां पर भी है सी बींग एन डॉक्टर लॉयर्स साइंटिस्ट इंजीनियर दिस हैजिकम वेटी कॉमन नाव इफ आई वॉज इन सिक्सटीज फिफ्टीज एंड फोर्टीज ऑफ माई कंट्री आई वुड से नहीं नहीं ये औरतों का काम नहीं है घर से बाहर नहीं निकलना बट नाउ वी डू सी दम इन ऑल द फील्ड इन ऑल द फील्ड विच एवर इज पॉसिबल विच आर देयर इन ऑन दी अर्थ तो ये कैसे पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ ऑल द फेमिनिस्ट मूवमेंट अब एक चीज और याद रखिए आप जब भी ऐसे कोई मूवमेंट लॉन्च होती हैं उन मूवमेंट्स में टाइम लगता है अब ऐसे नहीं कि आपने कोई रेस किया और सडनली आपको कुछ सोल्यूशन uh, मिल जाएगा जो आप चाहते हैं सोल्यूशन आता है पर धीरे धीरे आता है और उसका प्रॉब्लम यह है कि जब आप ये मूवमेंट रेज करते हो तो जो सोल्यूशन देंगे वो देने वाले लोग मेल ही हैं बिकॉज दे आर पावरफुल और इंडियन सोसाइटी जो है वो पैट्रियकल सोसाइटी है और उसका सिंपल सा मतलब है फैमिली हमेशा से ही मेल होता है सो इफ यू हैव योर ज्वाइंट फैमिली टूगेदर योर ग्रैंड फादर वुड बी देड ऑफ द फैमिली इफ ग्रैंड फादर इज नॉट देयर देन योर फादर द एल्डस्ट सन वु देड ऑफ द फैमिली अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली भी है तो फिर योर फादर वुड बी देड ऑफ द फैमिली ये सिस्टम हमेशा से इंडिया में रहा है बहुत ही कम ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर पेट्रिएट सोसाइटी नहीं है जहां तक मैं जानता हूँ स्कैंडिनेवियन नेशन है वहां पर अगर आप जाओगे तो पोलिटिकली वुमेन जो है वो वुमेन्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हैं उनके पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव स्वीडन में फीमेल हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है 52 परसेंट लोग जो पूरे उनकी पार्लियामेंट है वो, वो कंसिस्ट ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेटिव ये बहुत बहुत ही बढ़िया चीज़ है होप इंडिया में भी ऐसा कुछ हो बट इंडिया में कुछ और है जो आपको अलग से चार पॉइंट्स में आता है और चार मार्क का पांच मार्क का ये क्वेश्चन होता है इनमें से कोई एक नहीं आएगा तीन या पांच मार्क का ये क्वेश्चन होगा और वो ये है कि विमेन फेस डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज आपको बहुत मजेदार चीज बताता हूं सीबीएसई किस हिसाब से क्वेश्चन पूछती है वो पहले साल में पूछेगी कि व्हाट आर द वेरियस वेस इन विच विमेन फेस डिसएडवांटेजेस क्वेश्चन मार्क व्हाट आर द वेरियस वेस इन विच विमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन सोसाइटी दिस वर्ड वोंट बी देयर

वैसे ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है आप सोचोगे तो भी आप यही आंसर दोगे और नहीं भी सोचोगे और फर्स्ट थिंग स्ट्राइक होगी तो भी यही आंसर होगा लिटरेसी रेट वी हैव डिस्कस्ड इंडिया में जो भी लिटरेसी रेट है 74 परसेंट जो है हमारा लिटरेसी रेट है बट इफ आई कंपेयर टू मेल एंड फीमेल देन 86 परसेंट मेल आर लिटरेट कंपेयर टू 68 परसेंट ऑफ द फीमेल्स तो डिफरेंस है ना लिटरेसी रेट में और रीजन आप जानते हैं यहां पे जो हमारे पास डेटा दिया लिटरेसी का वो यही कि ओनली वही ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट कंपेयर टू 76 ऑफ द मेन रीजन ये है हमारे सोसाइटी में ये सोचते हैं कि व्हाई शुड आई स्पेंड मनी ऑन द एजुकेशन ऑफ माय गर्ल चाइल्ड बिकॉज शील ग्रो अप शील गेट मैरिड और वो किसी और के घर चली जाएगी और ये जो पैसा है वो पैसा मैं उसकी डावरी के लिए बचा के रखूंगा ये हमारे सोसाइटी का प्रॉब्लम है पेरेंट्स का नहीं क्योंकि इतना प्रेशर सोसाइटी का होता है कि वो ऐसा सोचने लगते हैं एंड दैट्स द रीजन वाई कि वो बेचारे स्कूल नहीं जा पाते हैं या फिर ड्रॉप आउट रेशियो गर्ल चाइल्ड का बहुत हाई होता है दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जहां पर आप डिस्क्रिमिनेशन देखोगे जो भी हाई पेड जॉब होते हैं ना जिस भी कंट्री के सीईओ की बात करोगे या ओनर्स की बात करोगे या फिर मैनेजरली पोजीशन की बात करोगे वो ज्यादातर मेल के ही होते हैं स्टैंड एंड से नहीं इंद्रानुई है मुजुमदार हैं बहुत सारी लेडीज के नाम ले लोगे चलिए आप ले लीजिए कितने लेते हैं मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं आप चुनिए कितने कंट्रीज कंपनीज की सीईओ फीमेल हैं अगर आप वो होता है ना कि एक डिबेटेबल नेचर जैसा जो आ जाता है तो सोचिए मैं सच कहता हूं आप 10 से 15 से ज्यादा नाम नहीं ले पाओगे इफ आई कंपेयर टू थाउजेंड्स ऑफ मेल सीईओ कंपनी ओनर्स और द मैनेजर्स तो ये एक प्रॉब्लम है सोसाइटी का हमारा तीसरा चीज है आप मान लीजिए आप मैनेजर हो मैं भी मैनेजर हूं तो विमेन मैनेजर है एक कंपनी में आईटी कंपनी में मैं भी आईटी कंपनी में मैनेजर हूं बट हम दो, हम दोनों की सैलरी में एक बहुत डिफरेंस होगा और वो उनका पैकेज मुझसे बहुत कम होगा ये हर जगह दिखता है ट अबाउट आई टी यूट बिलीव टेक एनी फील्ड इन इंडिया स्पोर्ट्स ले लो विराट कोहली का सैलरी देख लो विराट कोहली साल में जो उनकी सैलरी है उतनी पूरी इंडियन क्रिकेट टीम है ना जो विमेन क्रिकेट टीम है वो पूरा नहीं कमा पाती मिल के दैट्स द स्ट्राइकिंग डिफरेंस इन दूवीज इंडिया बॉलीवुड नेशन है मूवीज ले लो रजनीकांत साहब एक साल में या एक मूवी का जो वो पैकेज लेते हैं मुझे लगता है कि साउथ की अगर टॉप दस चलिए अब आप आपको लग रहा है कि नहीं इंडिया तो कंट्री ही ऐसी है, हम तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है आप बाहर चले जाइए आप विम्बल्टन ले लो टेनिस ले लो फुटबॉल ले लो सॉकर ले लो कुछ भी लो आप जितनी सैलरी मेल्स को मिलती है या जो आ, स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर हॉलीवुड स्टार्स हैं उनमें भी फीमेल को उतनी सैलरी नहीं होती है तो ये बड़ा एविडेंट फीचर है पूरी दुनिया का कि जेंडर डिस्क्रिमिनेटेड है और अगर स्पेसिफिकली मैं अपनी कंट्री पे आ जाता हूँ तो एक और चीज है सेक्स रेशियो ये भी हेल्दी नहीं है थ्रू आउट द ग्लोब अगर मैं देखूँ तो सेक्स रेशियो भी जो है हेल्दी नहीं है इंडिया में भी द प्रिफरेंस टू द मेल चाइल्ड इज मोर आप जानते हैं एक एक बड़ा हिट सा सीरियल आया था दो आई एम नॉट इन टू सीरियल एन ऑल बट देन एडवर्टाइजमेंट वगैरह में देखते रहते हैं ना आना इस देश लाडो इन दे शोड दैट कैसे फीमेल बच्ची होती है तो उसे वो uh, दूध में डुबो कर खत्म कर देते हैं इट्स जस्ट प्रिफरेंस टू मेल चाइल्ड रीजन अरे मेल हायर है वो हमारा वंश को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे बट ये कभी सोचते नहीं कि वंश अकेला तो बढ़ नहीं सकता मेल अमीबा तो है नहीं कि खुद ही रिप्रोड्यूस कर लेगा तो ये थॉट प्रोसेस जो है हमारी फीमेल्स को भी जाना चाहिए और मेल्स को भी जाना चाहिए ताकि इसमें कुछ चेंज आए सेक्स रेशियो में हमारा प्रिफ्रेंस जो है वो बदले अब हम आगे बढ़ते हैं और सेक्स रेशियो की ही थोड़ी सी बात करते हैं दुनिया को ध्यान में रखते हुए जस्ट लुक एट दिस कलर्स इफ यू सी दिस डार्क रेड अ पॉजिटिव साइन मोर विमेन देन मेल यू कम टू ब्लू डार्क ब्लू एप्सलूट सीरियस उठने चाहिए वेरी 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 डोमिनेटेड सोसाइटी मोर नंबर ऑफ मेल मोर देन हाफ आई मीन द रेशियो ऑफ फीमेल हिस्सर और दुम कंपेर टू मेल इज हाफ दे लाइट ब्लू इज सो 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 इज दिस पिंक डार्क पिंक एंड लाइट पिंक ये आपके दुनिया भर के कंट्रीज का सेक्स रेशियो बता रहे हैं और वो ये जस्टिफाई करने के लिए कि सिर्फ इंडिया ही ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है दुनिया भर में ही होता है आई मीन जेंडर के बेसिस पे तो हमें क्या करना चाहिए जेंडर इक्वालिटी लानी चाहिए जितने भी फेमिनिस्ट मूवमेंट हो रहे हैं और आगे होंगे वो सब अच्छे के लिए ही होंगे तब तक आप जेंडर पढ़िए हम रिलीजन और कास्ट की बातें करेंगे अगले वीडियो में

Their political representation is limited, very less. Limited, with sa, zada progressive word like that. Because less than five percent is their number counts in state assembly. And if I talk about Lok Sabha, they are not exceeding more than ten percent. Absolutely, five forty three seats. Se less than ten percent or around ten percent is women's uh, representation in India. You know, it's really sad when we talk about women empowerment in our country. स्पेशली दिस नंबर इज डिसहार्टनिंग इफ आई कंपेयर इवन विद एफ्रीकन नेशन नॉट ऑल बट मेनी एफ्रीकन नेशन हैज गॉट अ गुड नंबर कंपेयर टू इंडिया रिप्रेजेंटेशन ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है उससे भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक ये है या फिर अच्छा नहीं लगेगा यह सुनकर इवन दो वी हैव चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर्स बट दे आप समझ सकते हो कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इंटरेस्टिंग सी इमेज है आपके टेक्स बुक में एंड वी है इट्स पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड देन यू हैव दिस एंट्रेंस ऑल ब्लॉक डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव पोलिटिकल पार्टी ब्लॉक फॉर विमेन पे लिखा गया है डोंट वरी विल फाइंड अ वे फॉर यू वे फॉर यू फॉर वॉट मतलब आपको अंदर आने के लिए एंड ऑल ये है किस रिलेटेड ये बहुत इंटरेस्टिंग इमेज इसलिए है See, एक सोल्यूशन है वुमेन एम्पावरमेंट का वो है जब आप जेंडर को पॉलिटिक्स में लाओगे दिस इज व्हाट द टॉपिक इज इफ यू पोलिटिसाइज जेंडर देन ओनली द थिंग्स विल चेंज तो सोल्यूशन है मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज अब आपको हर जगह एक रूल बना दीजिए रूल बना दोगे तो फिर सीधी सी बात है जब रूल बनते हैं, तब हम वो करते हैं। चाहे बट जब तक तो रूल नहीं है लोकसभा एंड स्टेट असेंबली अच्छा एक चीज और क्लियर कर देता हूं आपके टेक्स्ट बुक में अभी भी जो लेटेस्ट एडिशन है वहां पर वो आपको यही कह रहे हैं कि देर आर डिमांड्स फॉर वन थर्ड सीट रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली बट ये डिमांड पूरा हो चुका है नाउ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली और वो भी वन थर्ड है कुछ स्टेट्स ने तो पंचायत इलेक्शंस में भी सीट्स रिजर्व कर दी और वो वन थर्ड से लेके फिफ्टी परसेंट तक है डिपेंडिंग फ्रॉम स्टेट टू स्टेट तो ये सारी चीजें जो है जेंडर को पोलिटिसाइज किया और चेंजेस हमारे सोसाइटी में दिख रहे हैं और आ चुके हैं यू कैन स्टिक टू योर टेक्स बुक यू कैन सिंपली राइट कि इट्स द बिल इज पेंडिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे कटेंगे नहीं बट देन आई गेस यू शुड बी अपडेटेड एंड आई एम श्योर ऑल द टीचर्स आर अपडेटेड सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकसभा स्टेट असेंबली एज वेल एज सीट्स आर रिजर्व इन पंचायत इलेक्शन टू नाउ जेंडर डिविजन इज एन एग्जाम्पल दट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिविजन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स ये लाइन क्वेश्चन है ये लाइन क्वेश्चन है आप बस क्वेश्चन को समझिए जो इंग्लिश में वो बोलना चाहते हैं कि जेंडर डिविजन इज समथिंग और इट्स वन एग्जाम्पल इफ यू पोलिटिसाइज इट देन द थिंग्स विल चेंज इफ यू एक्सप्रेस इट इन पोलिटिक्सेंजेस इन सोसाइटी तो दिस वॉज आर फर्स्ट पार्ट विच वॉज रिलेटेड टू जेंडर इन द होल चैप्टर इन द कमिंग पार्ट विल बी टॉकिंग अबाउट रिलीजन एंड पोलिटिक्स बाय दाइम कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्माइलिंग थैंक यू hello students welcome back to religion and politics okay this is no chapter this is a topic chapter is gender religion and caste already we have done about gender now we will talk about religion and politics uh, see india is a diverse country so every diverse country will find uh, a problem problem would be if you do not accommodate this diversity properly then there would be clashes if you do not if you are not able to control those clashes they might turn into a violent thing for a long period of time and if remains for a long period of time then chances of civil war and if you are not able to control civil war disintegration simple si baat hai. but why why because you politicize religion and if you politicize religion in a wrong way then all these things will happen you, rem you remember uh, the case of ireland see even if your country is having one religion ज बिटवीन द टू आर वेरी हाई बिकॉज यू नो रिलीज ऑल्सो हैव आय है क्रिश्चंस बट देन डिवाइडेड इन टू रोमन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्ट सेम गोज विद मुस्लिम्स अ मुस्लिम कंट्री वेर यू हैव शिया एंड सुन्नीस अगेन दे कुम तो ये जो रिलीजन है वो इतना यूनिवर्सल नहीं है जितना जेंडर है बट देन एवरी कंट्री नाउ इज डाइवर्स एंड इफ दे आर डाइवर्स चांसेस है कि वो पोलिटिसाइज होंगे और पोलिटिसाइज होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा इस वॉट दिस होल टॉपिक इज बट टू बिगिन विद कुछ केस डिस्कस करेंगे हम और जो बात करेंगे रिलीजन की और पोलिटिक्स की सो द जेंटलमैन गांधी जी एंड एज यू नो हैडी सेड अर्लियर वेर एवर ही इज Whether it is geography, whether it is economics, all science and all becomes utmost important. So, this is an utmost important para or a point. Consider the following Gandhiji used to say that religion can never be separated from politics.

पिक्चर में वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया में भी और अक्रॉस द ग्लोब यू विल फाइंड कंट्रीज वेयर कम्युनल राइट्स आर टेकिंग प्लेस एंड द दफर आर रिलीजियस माइनॉरिटी रिलीजन को बता रहे हैं अब तीसरी चीज विमेन्स मूवमेंट हैव आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉस ऑफ ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट विमेन अगेन ये भी थोड़ा पॉलिटिकल चीज है इंडिया में डाउरी ले लीजिए आप किसी भी केस में वो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट वीमेन इस्लाम में भी जो है वो कंसीडर किया जाता है कि वीमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन टर्म्स ऑफ दैट ट्रिपल तलाक लॉ सो वी आर नॉट गेटिंग इन डेप्थ ऑफ इट बट वी आर जस्ट से हाउ रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स और जो क्वेश्चन बोर्ड में आएगा वो एक सिंपली आएगा गिव इंस्टेंसेस इन पॉलिटिक्स आपको यही तीन पॉइंट लिखने हैं इतने से ही लिखने हैं और यहां पे एक और लाइन है जो आपको क्वेश्चन आएगा ऑल दीज इंस्टेंसेस इन्वॉल्व रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एक्सप्लेन या फिर दे गिव यू गिव सम इंस्टेंसेस वेयर विच रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पोलिटिक्स आपको बस यही आंसर लिखना है ये काफी इंपॉर्टेंट है मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा एक टॉपिक पे। गांधी और गांधी जी यूज टू कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पोलिटिक्स वॉट एग्जैक्टली ही मीन टू से जस्ट टेक दिक्स फ्रॉम द रिलीजन and then govern the country he never meant to say that you involve religion into politics he wanted to have just moral values from all the religion and the ethics because i'm sure no religion on this earth talks about violence no religion on this earth talks about discrimination or hatred so if you drive politics on the ethics of

और उससे भी इंटरेस्टिंग एक वर्ड कम्युनल पॉलिटिक्स होता क्या कम्युनल पॉलिटिक्स ये होता क्या जो हम कहते हैं ना ये कम्युनल है यार तो किस बेसिस हम उसे कम्युनल कह रहे द यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स वेयर वन रिलीजन इज शोन एज सुपीरियर देन दर सी आई हैव नो प्रॉब्लम इफ यू से योर रिलीजन इज गुड बेटर बेस्ट एक्चुअली आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम आई हैव अ प्रॉब्लम वेन यू ट्राई टू से दैट योर रिलीजन इज बेटर बस इससे बोलते हैं कम्यूनल पोलिटिक्स एंड दे ऑलवेज डिमांड दैट माई रिलीजन इज बेटर देन दर एंड आई वॉन्ट मोर फेवर्स और आई वॉन्ट ऑल द कॉन्सेशन वॉट माई रिलीजन सेज तो आपको अपने त्योहार मनाने हैं आपको अपनी रिचुअल्स मनानी है जैसे आप करते हो आई डोंट केयर हाउ मच इट हैल पोलिटिक्स होता है और यह बड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कम्युनल पोलिटिक्स इज बेस्ड ऑन दैन आइडिया दैट रिलीजन इज द ओनली बेसिस ऑफ फॉर्मिंग अ कम्युनिटी पता है सारे फसाद की जो जड़ है वो ये थॉट है इन लोगों को यह लगता है जो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं उन्हें यह लगता है कि सोसाइटी का जो बेस है जिस बेसिस पर सोसाइटी टिकी है या बनी है वो रिलीजन है दैट मींस आई एम स्टेइंग विद यू और आई एम टीचिंग यू बिकॉज यू आर हिंदू और आई एम विद यू यू बिकॉज आर मुस्लिम और क्रिस्टनिटी और आई एम स्टेइंग इन एन सोसाइटी विच इज ओनली हिंदू डोमिनेटेड सो आई वॉन्ट टू गो देयर और आई वॉन्ट टू लिव विद ओनली मुस्लिम्स और ओनली क्रिश्चियंस जब आपकी बेस ये हो जाएगी ना कि हमारी सोसाइटी रिलीजन बनाती है तब आप कम्युनल हो जाते हो इट इज इट इट बिलीव दैट फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी ये भी इंटरेस्टिंग सा थॉट है फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन बिलोंग टू वन कम्युनिटी डाइवर्सिटी में ये पॉसिबल नहीं होता है फुटबॉल देखिए ना ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट अगर पूरा ही ब्लैक बना दे तो कैसी लगेगी फुटबॉल और पूरा ही व्हाइट बना देते हैं तो भी थोड़ी अजीब ही लगती है तो वैसा ही कुछ होता है रिलीजन के बेसिस पे हम लोग कभी भी एक कम्युनिटी एक रिलीजन के बेसिस पे नहीं बना सकते अगर हम डाइवर्स हैं तो बट कम्युनल पॉलिटिक्स उसी लाइन पे बात करती है सी कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द सोशल कम्युनिटी बस आई हैव वन मेंटालिटी

कमाल की बात है इफ यू आर मुस्लिम एंड आई एम हिंदू वी कैन नॉट स्टे टूगेदर इन सेम कम्युनिटी बिकॉज द फंडामेंटल एंड आइडियोलॉजी आर वेरी डिफरेंट दैट्स वाई वी शुड स्टे अवे एंड हैव आर ओन कम्युनिटी बेस्ड ऑन रिलीजन ये इनका मानना होता है वेन आई से इनका जो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं जो कम्युनल माइंडसेट के होते हैं उनका Communalism leads to the belief that people belonging to different religion cannot live as equal citizens within one nation because one of them has to dominate the rest and they have to form different nation. Aapko aisa nahi laga last line ke ki they are talking about disintegration. Simple, si baat hai. they feel if there are two religions, then make two different nations because they cannot live together because if they live together one will try to dominate and yes things go bad if you remember sri lanka sinalas did not respect the rights of tamils and that led to civil war for a very long period of time and luckily they were able to control it now but still the country was not in peace their progress was hampered everything some countries if you remember yugoslavia no more exist on globe What is the reason? Because they never ever thought of staying together. They always demanded ethical and religious rights so differently and separately that they got disintegrated. कुछ इंटरेस्टिंग सी बात करते हैं जिनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि नहीं बस कम्युनल ही पॉलिटिक्स होती है कम्यूनलिज्म सही है तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है पांच मक के लिए क्वेश्चन आता है और जरा ध्यान से देखिए कितने पॉइंट्स हैं पांच पॉइंट आपको एज इट इज ये पांच पॉइंट लिखने हैं दिस बिलीफ इज फंडामेंटली फ्लॉड फ्रॉड मीन्स रॉन्ग दिस बिलीफ विच बिलीफ कम्यूनल बिलीफ कम्यूनल पॉलिटिक्स इज फ्लॉड रॉन्ग है क्यों मैं चाहता हूं इस पे हर एक बच्चा सोचे आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू थिंक ऑन दिस टॉपिक बिकॉज वंस यू थिंक यू नो दैट यू आर नॉट कम्यूनल एंड यू विल हंड्रेड परसेंट राइट जो भी आप सोचोगे 100 आप राइट वो आप यही सोचने वाले हो जो यहां पे लिखा है सी अंडरस्टैंड पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड इन एवरी कॉन्टेक्स्ट मान लीजिए आई मेक अ सोसाइटी और अ कम्युनिटी बेस्ड ऑन रिलीजन एंड आई ब्रिंग टूगेदर ऑल द हिंदूज और मे बी ऑल मुस्लिम और ऑल क्रिस्टियस बट डू यू थिंक एवरी वन इन हैव द सेम एस्पिश एंड आइडियोलॉजी एंड द डिमांड्स नो no बॉस, उसमें अमीर होंगे उसमें गरीब होंगे उसमें कोई आईटी वाला होगा कोई डॉक्टर होगा कोई टीचर होगा कोई लॉयर होगा कोई डेली वेजेस वर्कर होगा कोई बिजनेसमैन होगा क्या सब एक जैसा ही सोचते हैं नहीं चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुसलमान हो चाहे आप क्रिश्चियंस हो यू डू नॉट थिंक सेम और अ लाइक इवन दो यू लिव इन वन सोसाइटी देन ऑल्सो इट्स नॉट पॉसिबल everyone has several other roles and positions and identity as i said you might your identity might be a businessman uh, might be a male a female or a feminist or a religious person or an atheist so the things will change and if i make your society and then if someone try to dominate you it means i am trying to

आप किसान हो आप हिंदू किसान हो या मुसलमान किसान हो फर्क नहीं पड़ता आपको ये चाहिए कि एमएसपी मिले पानी मिले बारिश हो क्रॉप इंश्योरेंस मिले उसमें कोई ये नहीं देखता मैं मुसलमान हूं तो मुझे ज्यादा क्रॉप इंश्योरेंस दे दो मैं हिंदू हूं तो मुझे ज्यादा एमएसपी दे दो दैट विल नेवर मैटर बट देन अगर ये सबको नहीं आप मुसलमान हो तो अब एक साथ रहोगे आप हिंदू हो तो एक साथ रहोगे देन योर वॉइस वुड बी सप्रेस माइट बी सी सम पीपल इन इन सोसाइटी जस्ट टेक अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ योर ओन सोसाइटी सम पीपल आर इन फेवर ऑफ सेलिब्रेटिंग गणेश चतुर्थी सम आर नॉट कोई बोलता हमारे बच्चों का एग्जाम है और दिन भर स्पीकर बसते हैं नहीं सम ऑफ यू आर इन फेवर ऑफ हैविंग नवरात्रि गरबा डांडिया बैन मैनी आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट क्योंकि ऐसा लगता है कि उस वक्त एग्जाम्स होते हैं डिस्टर्ब होती है नहीं पेशेंट्स हैं ये सारी चीजें आ जाती हैं तो डोंट यू थिंक If you conduct these things you are suppressing few voices and within the same community ye differences है ना मैं अगर हिंदू हूं और मैं अगर बोल रहा हूं कि नहीं यार मेरे घर में मेरा बच्चा उसकी पढ़ाई करनी है तो मैं नहीं चाहता कि गरबा दांडिया हो पर बहुत सारे लोग चाहते भी हैं तो मेरी आवाज़ तो दबी गई ना तो ऐसा तो नहीं है कि सारे हिंदू चाहते कि गरबा हो और ऐसा भी नहीं कि सारे मुसलमान चाहते कि चीजें ऐसी ही हों सो so, हमेशा से बहुत सारी वॉइस है और एक रिलीजन होगी तो भी ये वॉइस रहेंगी ऑल दीज वॉइसेस हैव टू बी राइट टू बी हर्ड और हमें सबकी सुननी चाहिए देयर फॉर एनी अटेम्प्ट्रिंग ऑल फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टूगेदर इन कॉन्टेक्सट अदर देन रिलीजन इज बाउंड टू सप्रेस मेनी वॉइसेज विद इन द रिलीजन सिंपली अगर आप एक रिलीजन को बिलोंग करते हो जरूरी नहीं है कि आप सब बहुत शांतिपूर्वक रहोगे आई शेयर सम एग्जाम्पल वेर यू विल सी द सेम रिलीजन Living in a country, but still you will find there are clashes. Even if you are in Iraq or in Saudi Arabia or in Pakistan, they are Muslim-dominated country, but there are always clashes between Shias and Sunnis. Ireland, Catholic country. Sorry, it's a Christian country, but then you have Roman Catholics and you have Protestants. Clashes are. India, Hindu-dominated country. Forget about the. कम्यूनल रिलीजियस वॉर बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम टॉकिंग अबाउट यू हैव हर्ड मेनी टाइम्स रेड दैट सर्टन कम्युनिटी और सर्टन कास्ट इज फाइटिंग विदर कास्ट और लोअर कास्ट इज फाइटिंग विद अपर कास्ट तो ये चलते ही रहेगा तो इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि एक सोसाइटी एक रिलीजन के बेसिस पे बनती है आप गलत हो और आप इसे पोलिटिक्स में लाते हो तो आप उतने ही बड़े गलत हो और उसी को बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स वेन यू ब्रिंग रिलीजन इन टू पॉलिटिक्स सो दिस इज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वील वेट एंड सी द नेक्स्ट टॉपिक इज बाय द टाइम यू कीप स्माइलिंग एंड कीप रिवाइजिंग थैंक यू